चलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग की जो गुडलक ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है क्लोक फेस नाम से। उसके अंदर एक नया अपडेट आया, इस अपडेट के बाद क्या नए चेंजेस आए या फिर हो सकते हैं क्या नए फीचर एड ऑन हुए, वो आगे आपको वीडियो बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो स्किप मत करेगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि उन्होंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ गुडलक मॉड्यूल के एक नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गुडलक ऐप में। गुडलक की ऐप जाने के बाद वहां पर आपको जैसे ही ऐप ओपन होगा तो आप देखेंगे क्लॉक फेस के अंदर एक नया अपडेट आया, जो कि आपको एन का साइन वहां पर दिख रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक आपको गैलेक्सी स्टोर पर ले जाएगा। गैलेक्सी स्टोर पर जाने के बाद आप देखेंगे क्लॉक फेस के अंदर आपको एक नया अपडेट आया है। यहां पर आप देखेंगे क्या नई चीज को ऐड कर दिया गया, इंप्रूव द टाइम डिले टू क्लॉक फेस सर्विस व्हेन लॉक स्क्रीन और एओडी टर्न ऑन। मतलब कि जब मोबाइल लॉक होता है तो आपने कभी कभार देखा होगा कि अगर आप मोबाइल को अगर आधे घंटे दो घंटे बाद लॉक कर रहे हैं तो वो पहले पुराना ही टाइम दिखाता है, और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे उसके बाद वो टाइम अपडेट होता है। ये उसी से रिलेटेड यहां पर फिक्स कर दिया गया, इंप्रूव कर दिया गया, ताकि इजीली उसका टाइम अप टू डेट होते रहे। दोनों में ये काम करेगा, एओडी और नॉर्मल लॉक स्क्रीन वाले पे। तो इसको सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है। अगर आप यहां पर इसकी वॉच यूज कर रहे हैं सैमसंग की, तो आपको उस पर भी क्लिक कर देना है ताकि आपके वॉच में भी अपडेट हो जाए, नहीं तो आप सिंपली इस पे अपडेट पे क्लिक कर लेना है। जैसे इसको अपडेट करेंगे ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने मोबाइल में जो क्लॉक है उसको डिजाइन कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने, आप देखेंगे ये मैंने क्लॉक यहां पर लगा के रखा, आपको दिख रहा होगा। आप इससे अच्छे अच्छे वहां पर क्लॉक लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो इसको होने देते हैं। तो दोस्तों फाइनली हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको करना क्या है, वापस आपको जाना है अपने मोबाइल के गुडलक ऐप में। गुडलक की ऐप में जाएंगे, जैसे ही आप वहां पर, आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वो आपसे पूछेगा आपको काय के लिए आपको सेट करना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए, लॉक स्क्रीन के लिए, आपको जिसके लिए भी सेट करना है आपको उस पर ओपन कर देना है। लाइक मुझे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए करना है, मैंने उस पर क्लिक करा तो ऑटोमेटिक उस पर ले जाएगा। उस पर ले जाने के बाद आपको दिख रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सेट कर रखा है, आप चाहें कोई दूसरा भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको फेसेस मिल जाएंगे, जो भी फेस पे आपको क्लिक करेंगे वो वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। मेन जो ये अपडेट का फीचर है वो ये, आपने देखा होगा कभी आप अपने मोबाइल को अगर लॉक करते हैं दो तीन घंटे या चार घंटे के लिए और आप तब उसको एकदम लॉक करना चाहते हैं, तो पहले आपको कुछ सेकंड के लिए आपको पुराना ही वाला टाइम दिखाएगा, उसके बाद वो टाइम अपडेट होता है। तो उस चीज को यहां पर इंप्रूव किया गया। आप जो देखेंगे यहां पर जिस चीज को इंप्रूवेट किया गया, इंप्रूव द टाइम डिले कनेक्टिंग टू द क्लॉक फेस सर्विस। मतलब कि जो टाइम लेता था वो उसको कनेक्टिंग करने के लिए, अब उसको और अच्छी तरह से कर दिया गया ताकि वो फट से कनेक्टेड हो जाए और आपको जो टाइम है आपको एग्जैक्ट दिखा है एओडी और लॉक स्क्रीन में। दोनों में ऐसा ही होता था तो वो दोनों में आपका बेस्ट तरीके से काम करेगा। तो ये यहां पर दिया गया है। अब मैं लाइक यहां पर कोई सा भी इसको चूज कर लेता हूं। मैंने इसको चूज कर लिया और उसको यहां से अप्लाई कर दिया, और जब भी अब मैं इसको लॉक करके देखूंगा, एडू भी देखूंगा, तो आप देखेंगे ये आपको दिख रहा है। पर अगर मैं इसको थोड़ी टाइम बाद लॉक कर दूंगा और कुछ टाइम बाद देखूंगा तो आपको दिखेगा कि वो टाइम शायद पुराना ही दिखा रहा है। ये दोनों पे वर्क करेगा, आपके एओडी और लॉक स्क्रीन पे। यही नया अपडेट था ताकि जो कनेक्टिंग है उसकी और अच्छे से हो जाए। अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे चेंज करते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, चाहे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमेंट में डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।